बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। हजरत जी से बात हो रही है? जी जी बिल्कुल जी, मैं इंडिया कश्मीर से 5 जून को मैंने पहले कॉल की थी, नज़ाकत अली बोल रहा हूँ। माशाल्लाह जी। हाँ, मैंने पहली बात यह है कि हजरत जी को दोनों हाथ जोड़ के अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहें। वालेकुम सलाम। उसके बाद अगर मेरी भाषा हजरत समझे तो वो ये, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक मैं तो हजरत जी से बायत हो चुका हूँ ऑनलाइन, और मैं ये कहूँ कि मैं नीमा मेरा मुर्शिद उच्चा उच्चिया दे संग लाई सदके जावा इन्हें उच्चिया तू जड़ा नीवियां नाल निभाई। हजरत जी मुझे मजीद रहनमाई फरमाए। और दूसरा, कर्ज के हवाले से मैंने हजरत जी से बात की थी और मुझे कलीला से कुरैश का विर्द बताया था 71 डेज के लिए 125 मरतबा अशा के बाद। मैं वो भी कर रहा हूँ, आज मेरा गालबन 44वां दिन है। तो एक ये अर्ज है कि मुझे उसमें एक हजरत जी की आप बीती मैंने सुनी थी, उन्होंने हाजी यूसुफ साहब के बारे में बताया था कि वो हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह साहब के पास गए थे। तो मेरी भी ये अर्ज है कि कहाँ हाजी यूसुफ साहब और कहाँ मैं उनके पैरों की खाक भी नहीं, लेकिन मेरे मुर्शिद का मुकाम बहुत ऊंचा है। तो आज मैं भी यही अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह के लिए हजरत मेरे लिए हाथ उठाएं और मेरी मजीद रहनमाई फरमाएं, मेरा कर्जा कैसे दूर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह, कश्मीर इंडिया से आप कॉल कर रहे हैं, आपकी बातों ने तो मुझे रुला दिया। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। ज़ाहिर है कि मैं नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा, तो आप तो अपने मुर्शिद की बात कर रहे हैं, मुझे अपना मुर्शिद याद आ गया, इसलिए फूट फूट के रोने को दिल चाहता है। लेकिन चूँकि प्रोग्राम भी करना है, आपसे बातें भी करनी हैं, इसलिए मैं तन्हाइयों में तो रो लिया करता हूँ, मजमे में रोने का मिजाज नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है कोई गुफ्तगू को आगे लेके चलना होता है। तो आपने जो बात कही है मेरे बारे में, ये तो आपका हुस्न ज़न है, लेकिन मैं ये बात अपने मुर्शिद के बारे में सोचता हूँ तो वो बात एक बहुत बड़ी हकीकत है। मैं नहीं, मेरा मुर्शिद हकीकत मेरे सामने सारे वो मनाजिर ज़िंदगी के दौड़ गए कि मेरे मुर्शिद की जो शफ़क़त थी, जो मोहब्बत थी, जो उसकी नज़र रहमत थी, वो सारे मनाजिर आपकी इस बात से मेरे सामने दौड़ गए हैं। तो मैं अपनी हकीकत की ज़बान से इसी बात का इजहार करता हूँ कि मैं नहीं, मेरा मुर्शिद ऊँचा, और उसने किस तरह निभाई है, उसके निभाने के सारे अंदाज मेरे सामने आ गए, इसलिए आपकी इस बात ने मुझे रुला दिया है। इसलिए कि मेरा मुर्शिद तो वाकई हुसनुल औलिया इमामुल अतकिया शहीद इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी शहीद कुद्दस सिर्रू जैसा मुर्शिद, वाकई वो मुर्शिद उच्चा मैं नीमा वाली बात है। और वो मुर्शिद मुझे अपने वालिद की दुआ से मिला। मेरा वालिद अपने वक्त का कुतुब मुहद्दिसुल असर शेख उल हदीस मौलाना मुफ्ती नियाज मोहम्मद खुतनी अल बुखारी नवरल्लाह मरकदहु, उसकी दुआ से मुझे मुर्शिद मिला। क्योंकि दो दो मुर्शिद ऐसे मिले हैं, एक जो है नस्बी बाप की शक्ल में यानी मेरे वालिद, और दूसरे निस्बती बाप की शक्ल में यानी मेरे पीरो मुर्शिद। तो गोया कि वो सारे मनाजिर मेरे सामने दौड़ गए हैं कि उस मुर्शिद की शफ़क़त और नज़र कैसी थी, तवज्जुहात कैसी थी। अल्फाज के पिंजरे में उनको क़ैद करना मुश्किल है। विजदान की वो कैफियत हैं जो सिर्फ मैं तो अपने आंसुओं से उसको ज़ाहिर कर सकता हूँ। आंसुओं के तहरीर पढ़ने वाले पढ़ लें तो पढ़ लें, नहीं समझ सकते तो ना समझ पाएँ, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला उन्हीं के वीदानी कैफियत को समझते हैं कि मेरे मुर्शिद ने किस शफ़क़त के साथ, किस मोहब्बत और नज़र के साथ जो है मेरी इंसानी साजी में काम किया है और किस तरीके से।
किस तरीके से उसने मुझे इस काबिल बनाया कि आज आपके सामने बैठ के दो इलम की नाकिस बातें कर लेता हूँ, आप हजरात की के लिए भला सोचता हूँ, खैर सोचता हूँ, इसके अलावा कोई चीज़ समझ में नहीं आती, यही सोचता हूँ कि उम्मत का भला कैसे होगा, उम्मत की खैर कैसी होगी, उम्मत का भला कैसा होगा, पैगंबर इस्लाम की दीन की अजमत कैसे कायम होगी, इस्लाम का परचम कैसे बुलंद होगा। अमेरिका जैसी दुनिया में आके सिवाय इस सोच के कोई दूसरी सोच नहीं है। जिस अमेरिका में आके लोग मादियत की रवानियों के अंदर बह जाते हैं, मादियत के हुसन पे फरेफ्ता हो जाते हैं, देखिए अल्लाह तबारक व ताला मुझे नाकारा से काम ले रहा है, तो अल्लाह ताला जो है जो बरकत अता फरमाए वाकई मुझसे काम ले ले, क्योंकि आपकी बात मेरे बारे में तो हुसन जन है, अल्लाह उसको भी हकीकत से बदल दे, मुझे वाकई इस काबिल बना दे, तो जही किस्में जह नसीब कि मैं अपने मुर्शिद के बारे में आपकी बात से उस सोच में चला गया कि वाकई वो बात हकीकत है कि मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊँचा। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। बाकी आपने जो दरख्वास्त की है कर्ज़ के हवाले से, इन कैफियत और अहवाल में दिल की गहराई से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप पर जो है मेरे मुर्शिद की जो है सदक़े और तुफ़ैल से ऐसी बरकत नाजिल कर दे कि आपका कर्ज उतर जाए, आपकी मुश्किलात आसान हो जाएँ, आपको ज़ाहरी बात नहीं दौलतों से अल्लाह तबारक व ताला मालामाल कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन।